की ऐसी घटनाएं जो आपका दिल दहला दे। ऐसी खबर जो सबको हिला दे, जो हर पहलू से कराता हो रूबरू, जो सबके लिए हो खास, जो बताए भोजपुर की संस्कृति और साथ में भोजपुर का इतिहास। भोजपुर का दर्पण, भोजपुर दर्शन। भोजपुर दर्शन, आपकी बात आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन और मैं हूं राजेश तिवारी। लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपना कमर कसना शुरू कर दिया है, और जहां एक तरफ भाजपा ने कई राज्यों में को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश यानी पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कसना शुरू कर दिया है। और उसी के दौरान बिहार प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष अमृता भूषण ने भी आरा का दौरा किया। शहीद भवन पहुंचकर अमृता भूषण ने महिलाओं के साथ बैठक किया और आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कई बातों को जिक्र करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में हम सभी को जुट जानी चाहिए। आइए देखते हैं कि बैठक में बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष की अमृता भूषण ने किन किन मुद्दों पर बातचीत की। मैंने उनसे आग्रह किया भोजपुर जिला को पार करने से अध्यक्ष जी, आप भी पकड़ सभी लोग पकड़ याद आ करती हूँ, और हमारे जिला अध्यक्ष जी का, हमारी महिला जिला अध्यक्ष का, सभी पार्टी के पदाधिकारी जो इकट्ठा हुए हैं, जो हमें सम्मान दिया है। देखिए, महिला कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ, सरकार की जो कारगुजारियां हैं उन्हें उजागर करने में लगी है। मैं भी महीने में एक बार बिहार अवश्य आती हूँ, और हमारी कोशिश रहती है कि सारे कार्यक्रम हम सिर्फ पटना में ना करें, हम एक महीने में कम से कम 3 जिलों में अवश्य जाएं, ताकि अपने कार्यकर्ताओं से, महिला कार्यकर्ताओं से, पेरेंट कांग्रेस से, युवा कार्यकर्ताओं से, NSUI से, सेवा दल से हम बातचीत करें, क्या उनके सुझाव हैं वो सुझाव लें, और मिलकर हम मौजूदा राज्य सरकार और केंद्र की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। 4 साल हो गए हैं, 4 साल में राज्य सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी पोल पूरी तरह खुल चुकी है। 2014 में जो आंधी तूफान की तरह नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, जो झूठ के पुलिंदे बांधे गए, इन्होंने लगभग 154 वायदे किए और लोगों को भावनाओं को, लोगों की भावनाओं को इन्होंने कब्जा किया, भावनाओं पर, और भावनाओं को कब्जा करके इन्होंने सत्ता में अपनी जगह बनाई। और हिंदुस्तान की जनता की एक खासियत है कि हम भोले भाले लोग हैं, हम समझने में देरी कर देते हैं लेकिन बहकने में हम तुरंत बहक जाते हैं। तो इनकी लच्छेदार बातों में जनता बहक गई, और उसका खामियाजा आज पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। वो 154 वायदों की तो मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैं कहना चाहूंगी कि इन्होंने जो बात कही थी कि 15 लाख रुपए बैंकों में आएंगे, हर गरीब के खाते में आएंगे, आतंकवाद को हम ख़त्म कर देंगे, किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, हम युवाओं को रोज़गार देंगे, 2.5 करोड़ रोज़गार हर साल उत्पन्न करेंगे, हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, हम महंगाई को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकेंगे,
ये जो इनके वायदे थे उन वायदों पर पूरी तरह ये सरकार फेल हो चुकी है। अब इन्होंने कहा कि नोटबंदी से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जीएसटी से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हुआ उसका बिल्कुल उलट। अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। ख़ास तौर पे महिलाओं की हम बात करेंगे कि इन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हम साकार करेंगे और हम देश की आधी आबादी की रक्षा करेंगे, उन्हें शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूती प्रदान करेंगे। लेकिन इन्होंने तो उनकी ज़िंदगी के लिए ही खतरा पैदा कर दिया है। जिस तरह छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, महिलाएं ना अपने कार्यक्षेत्र में सुरक्षित हैं, ना पड़ोस में सुरक्षित हैं, ना कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं आज, तो इसका सीधा सीधा जो जिम्मा बनता है वो सरकार का बनता है। हरियाणा में तो ऐसे कांड कई हो चुके हैं, लेकिन हमारा बिहार प्रदेश में भी, चाहे आप गया की घटना ले लीजिए, चाहे जहानाबाद की ले लीजिए, चाहे सासाराम की ले लीजिए, जो हमने घटनाएं इतिहास में कभी सुनी नहीं, जिनकी कल्पनाएं भी हम नहीं कर सकते, ऐसी घटनाएं आज हो रही हैं और आरोपी बेखौफ घूमते हैं। डर जो सबसे बड़ा होता है वो शासन का होता है, और शासन का डर कोई चाबुक लेकर नहीं डर दिखाना होता। जब एक आदर्श शासन की स्थापना करनी होती है, उसमें पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में फेल हो चुकी है, और यहाँ जनता दल यू और बीजेपी, इन दोनों की गवर्नमेंट पूरी तरह फेल हो चुकी है। तो हम महिला कांग्रेस के बैनर से महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ हम जगह जगह आवाज़ उठा रहे हैं। जो भी कोई कार्यक्रम होता है हम उसमें महिला सुरक्षा की अवश्य बात करते हैं। आपने देखा होगा अभी 3-4 दिन पहले राष्ट्रीय टेलीविज़न पर काफ़ी चला कि महिला सुरक्षा के मामले में हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे पीछे हो रहा है। बड़ी शर्म की बात है कि पूरी दुनिया में महिला सबसे ज़्यादा खतरा हिंदुस्तान में महिला के लिए है, सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं हिंदुस्तान में हैं। तो ये सिर्फ सरकार की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है सुरक्षा प्रदान करने की। एक कानून का एक भय होना चाहिए, वो कानून का भय नहीं रहा है इस देश में, ना इस प्रदेश में। तो हमारा जो एजेंडा है महिलाओं का, एक तो महिला सुरक्षा, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इसके खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, प्रदर्शनों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से, हम जुलूस के माध्यम से, पदयात्राओं के माध्यम से, हम पूरे प्रदेश में एक मुहिम क्राइम अगेंस्ट वीमेन के लिए चला रहे हैं कि हम जागरूक करें लोगों को, सरकार के खिलाफ भी, सरकार की भी हम आंखें खोलें, क्योंकि सरकार पूरी तरह से आंखें मूंदे बैठी हुई है। और हमारी जो राहुल गांधी जी की जो एक सोच है, हमने पीछे हस्ताक्षर अभियान चलाया था महिला कांग्रेस ने, और करोड़ों हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा गया था कि महिलाओं को हमने पंचायत में, अर्बन लोकल बॉडीज़ में तो आरक्षण दिया है, लेकिन हमें विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण चाहिए, वो आरक्षण हमें नहीं मिला है अभी तक। तो उस आरक्षण के लिए भी हम महिलाओं को जहां भी जाते हैं वो जागरूक करते हैं कि ये आपका अधिकार है और हमारा हक नाम से हमने कार्यक्रम शुरू किया हुआ है काफ़ी पहले से, और वो लगातार वो कार्यक्रम चल रहा है जिसके तहत हम सम्मेलन कर रहे हैं जगह जगह, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, उनके अधिकारों के बारे में बता रहे हैं। इसी तरह हमारा एक कार्यक्रम और है कि महिलाओं को नौकरियों में भी आरक्षण मिले, और जहां महिलाओं को कम वेतन मिलता है और जहां क्या हर जगह कम वेतन मिलता है, आप कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में देखिए महिला और पुरुष बराबर काम करते हैं, लेकिन महिलाओं को पुरुष के मुकाबले में, उसके कंपैरिजन में कम वेतन मिलता है। तो हमारी ये भी एक मांग है कि समान काम
समान वेतन महिलाओं के लिए लागू होना चाहिए और महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए भी एक कैंपेन हमारी प्रदेश की अध्यक्षा अमिता भूषण जी विधायक ने चलाया हुआ है कि 3 दिन का हमने एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम अभी पटना में किया है, इसी महीने हमने किया था, जून में ही किया था प्रोग्राम। उसमें हमने जो घरेलू वेस्ट होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको कैसे इस्तेमाल करके यूजेबल आइटम बना सकते हैं और उनको मार्केट में कैसे हम बेच सकते हैं, उसकी 3 दिन की ट्रेनिंग एक्सपर्ट ट्रेनर्स के द्वारा दिलवाई गई थी और उसमें लगभग 150 महिलाएँ लाभान्वित हुई थी। वही प्रोग्राम हम पूरे बिहार में चला रहे हैं कि जो भी जिले की अध्यक्षा, जैसे हमारी अध्यक्षा है ये मैडम जरीन, तो जो जो अध्यक्ष इसमें आगे आएंगी उनके जिलों में हम इस तरह के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम करेंगे ताकि महिला सुरक्षा और महिला शिक्षा के साथ साथ महिला को स्वावलंबी भी हम बनाएं और उसके संपूर्ण समग्र सर्वांगीण विकास की हम बात करें, तो इसको लेकर हम चल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी फिर से बात कर रहे हैं कि हम तो अब 2022 में करेंगे ये काम पूरे, जिन कामों का वायदा आपने 2014 में किया था, अब आप 19 का इलेक्शन आ रहा है तो 2022 की बात कर रहे हैं कि ये आवास हम 2022 में बना कर देंगे, ये स्मार्ट सिटीज़, 100 स्मार्ट सिटीज़ की बात करी थी, तो 100 में से एक तो नरेंद्र मोदी बताएं कि हमने स्मार्ट सिटी बना दिया। कितने स्मार्ट सिटीज़ बने? एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना है। आपके बिहार की ही एक बड़ा ही ज्वलंत और बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है कि मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा है, अपने वक्तव्य में कहा है कि हमने बिहार में एक सप्ताह में 8 लाख शौचालय बनाए, ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया हमने बिहार को, खुले में शौच मुक्त कर दिया। तो आप भी यहाँ के निवासी हैं, क्या ऐसा हुआ है? क्या 8 लाख शौचालय बने हैं? ये रिपोर्ट तो आज तक पर ABP न्यूज़ पर, NDTV पर, बहुत सारे TV चैनल्स पे ये रिपोर्ट हमारे जाने माने रिपोर्टर्स ने दी हुई है कि ये कैसा मजाक है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश के, इससे देश का राष्ट्रीय चरित्र झलकता है। अगर हम बोलते हैं तो हमारी पार्टी के बारे में एक सोच बनती है, रिफ्लेक्शन हम देते हैं पार्टी का, और अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं, संवैधानिक पद पर रहकर बोलते हैं, तो हमारे देश का राष्ट्रीय चरित्र झलकता है। तो वो तो हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की साख को भी पट्टा लगा रहे हैं झूठ बोल बोलकर। नरेंद्र मोदी जी अपने हर भाषण में झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इनके जितने भी प्रवक्ता हैं वो झूठ बोलते हैं। ये तो चलती फिरती झूठ की दुकान है भारतीय जनता पार्टी, और इनके सहयोगी भी अब इनसे उकताने लगे हैं, इनसे दुखी हो चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि ना उनके लिए कहीं जगह है ना उनके लिए कहीं जगह है, जगह दोनों के लिए कहीं नहीं है। इसलिए एक ऐसी गाड़ी जैसे ट्रेन की पटरी होती है, मिलती आपस में नहीं है लेकिन साथ साथ चलती रहती हैं, तो इसी तरह एक इक्वी डिस्टेंस पे इनके सहयोगी अभी चल रहे हैं, लेकिन ट्रेन की पटरी तो मिलती नहीं है और साथ साथ चलती रहती है। ये मिले ना मिले लेकिन दूर ज़रूर हो जाएंगे, एक पटरी ज़रूर अपने उखड़ेगी यहाँ से इनके BJP के साथ से, ऐसा लगभग हर सहयोगी के साथ इनका रवैया है। तो जो देश की हालत अब है, ऐसी हालत कभी नहीं हुई। इंदिरा जी के लिए ये आपातकाल की बात कर रहे हैं। अब 2019 का चुनाव जो विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे से भटक कर अब कभी आपातकाल की बात करती है, कभी ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कभी ये स्वर्ण और दलित की बात करते हैं, जानबूझकर कानून को डाइल्यूट करवा के एक मुद्दा ज्वलन एक जीवित रखना चाहते हैं इस तरह के मुद्दे, ताकि चुनाव के समय में लोग विकास को भूल जाएं, इनसे कोई सवाल जवाब ना करें और दूसरे मुद्दों पर अपनी इनकी भावनाओं को, इतना धार्मिक भावनाओं को, सांप्रदायिक भावनाओं को इतना भड़का दें कि वो हम चुनाव जीत जाएं। तो ये तो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो वाली नीति पे चल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, दोनों की जोड़ी जो है
ये सिर्फ कैसे सत्ता में आए दोबारा, इस पर ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ इस पर काम कर रहे हैं, कैसे अपने वायदों को पूरा करें, कैसे जनता को सेटिस्फाइड करें, वो इनका मुद्दा नहीं है, वो इनका इशू नहीं है। तो हम इन्हीं सारे इश्यूज को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी हमारा बक्सर में प्रोग्राम है, वहाँ भी हम सारे मुद्दों को उठाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ जागरूक करेंगे। हम अपने प्रखंड स्तर पर भी पार्टी प्रदर्शन करेगी, लोगों को जोड़ेगी और केंद्र की सरकार को भी, राज्य की सरकार को भी 2019 का इलेक्शन में हम लोग केंद्र की सरकार को और आगे जब विधानसभा का चुनाव होगा उखाड़ देंगे। कांग्रेस के एक बड़े नेता फिरोज खान ने शायद महिलाओं पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज पुतला दहन किया और कांग्रेस के विरोध में नारेबाजी भी किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि महिलाओं का सम्मान हर पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं और वरीय अधिकारियों को भी करनी चाहिए या देश में महिलाओं की सम्मान करनी चाहिए और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही अन्य नेता महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते हैं। अन्य आरोपों को लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और पुतला दहन किया। रोज गांधी एक काम करो, जांच करो, रोज गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गणेश शिवाई मुर्दाबाद, 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 राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 गणेश शिवाई होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गणेश शिवाई होश में आओ, होश में आओ, बंद करो, शिवाई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, खान मुर्दाबाद, 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 शिवाई राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान पुतला जलाया गया क्योंकि वो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। छात्र संगठन के नाम पे आतंकी संगठन बनाया है उन्होंने और इसको विद्यार्थी परिषद कतई ही बर्दाश्त नहीं करेगी। नाम बताइए। चंदन तिवारी, प्रदेश कार्य समिति। 17 से दो दिन पहले एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं फिरोज खान, उनके द्वारा एक महिला के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है, मैं पूछना चाहता हूं, चाहे वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो, वो किसी पार्टी की हो, वो महिला है और महिलाओं को हमें समान अधिकार देने की हम बात करते हैं। अभी कल का एक बयान मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय राहुल गांधी जी का, वो 125 करोड़ भारतीय लोगों को, महिलाओं को अपमानित करने के लिए बता रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आदरणीय राहुल गांधी जी, पहले आप अपने संगठन के छात्र के संगठन एनएसवाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताइए कि एक महिला का सम्मान कैसे किया जाता है, भले वो महिला किसी पार्टी की हो। आज उस महिला के सम्मान में हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके फिरोज खान जी का यहाँ पुतला दहन कर रहे हैं और हमने पुतला दहन के माध्यम से एक संदेश देने का काम किया है कि महिला किसी भी पार्टी की हो, किसी के संगठन की हो, महिला हमारे देश की सम्मान है और हमारे देश के सम्मान के साथ यदि कोई खेलने का कोशिश करेगा, विद्यार्थी परिषद कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अपना पूरा नाम बताइए। शैलेश कुमार है, प्रदेश। बचावों में अभी और भी है, आप देखते रहिए भोजपुर दर्शन। MI मोबाइल उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब पटना जाने की आवश्यकता नहीं। कंपनी ने अपने स्कूटी सर्विस सेंटर ग्राहकों की सेवा के लिए प्रारंभ कर चुका है। MI मोबाइल से संबंधित कोई भी परेशानी के लिए संपर्क करें, वालिया कम्प्लेक्स, द्वितीय मंजिल, करमंटोला, आरा। शादी विवाह के शुभ अवसर पर हॉलमार्क ज्वेलरी सोना चांदी के फैंसी गहनों के साथ आकर्षक साड़ियों के विक्रेता लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एवं साड़ी वाला।
जेल रोड मैना सुंदर धर्मशाला के पास आरा, जहां एक ही छत के नीचे अफगानों के साथ कपड़े भी खरीदे। डायमंड ज्वेलरी एवं ब्रांडेड ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक डिजाइन किए हुए गहनों की खरीदारी एकमात्र भव्य शोरूम में, जिसका नाम है लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एंड साड़ीवाला, जिसका पता है मैना सुंदर धर्मशाला के पास जेल रोड आरा। मैं तेनु समझावांगी ना तेरे बिना लगता जी। अभी भी देर नहीं, अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप खरीदना या मरम्मत कराना चाहते हैं तो आपके लिए देव कंप्यूटर। जी हाँ, आसूस, एसर, डेल, एचपी, लेनेवो का लैपटॉप के साथ ही एचपी, टीवीएस, इप्सन का प्रिंटर विक्रेता। तो परेशानी छोड़ें, सेल और सर्विस के लिए संपर्क करें। आपका अपना देव कंप्यूटर, वालिया कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, करमन टोला, आरा। देव कंप्यूटर, वालिया कॉम्प्लेक्स, तीसरा मंजिल, करमन टोला, आरा। नंबर है 8252662121। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय, फ्रॉम प्ले टू स्टैंडर्ड 10, विथ 3D प्रिंटिंग एंड रोबोटिक्स। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय, बामपाली, आरा। बासु ITI, NCVT, DGET से मान्यता प्राप्त, आप सभी के सहयोग से लगातार 4 वर्षों से सफल होंडा कंपनी अहमदाबाद 2-व्हीलर्स और मैन फोर्स टाटा झारखंड 4-व्हीलर्स दोनों कंपनियों में लगभग 50 छात्रों की नियुक्ति तथा 100% छात्रों की नियुक्ति के लिए प्रयासरत। इलेक्ट्रिशियन, हीटर, डीजल मैकेनिक इत्यादि की तैयारी के लिए संपर्क करें बासु ITI, कुल्हरिया, आरा, भोजपुर। मोबाइल नंबर 9430032301, 9334192301। क्या आप अपने बजाज मोटरसाइकिल को सुंदर और मजबूत रखना चाहते हैं? तो केवल ओरिजिनल पार्ट्स के लिए न्यू बजाज केयर से संपर्क करें, जहां आपको मिलता है बजाज कंपनी के मोटरसाइकिलों का ओरिजिनल पार्ट्स, वो भी उचित मूल्यों पर। संपर्क करें न्यू बजाज केयर, हॉस्पिटल रोड, आरा। नंबर है 9386934868। आपका अपना दुकान न्यू बजाज केयर, हॉस्पिटल रोड, आरा। शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी, लोकप्रिय एवं लाखों संतुष्ट ग्राहकों की अपनी दुकान कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स, आपको मिलता है 75% तथा 91.6% हॉलमार्क सोने के जेवरों के साथ शुद्ध चांदी के गहने, चांदी के बर्तनों के अलावा ब्रांडेड हीरे के जेवर तथा ग्रह रत्नों के विक्रेता। हीरे के जेवरों पर फ्लैट 15% की छूट पाने के लिए अवश्य पधारे शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी आपकी अपनी दुकान हरखेम कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स, गोपाली चौक। के उज्जवल भविष्य के लिए अंत वातावरण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु संपर्क करें बालिका उच्च विद्यालय, महादेवा रोड, आरा। ब्रेक के बाद भोजपुर दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। हम हाजिर है कार्यक्रम के अंतर्गत। आज आप बात करेंगे राज गौरव उर्फ टाइगर से, जिन्होंने अपने विधायक पर ही कई आरोप लगा बैठे। आखिर विधायक पर आरोप एक कार्यकर्ता लगा रहा है तो आखिर इसकी राज क्या है, आखिर क्या कारण है? आइए सुनते हैं राज गौरव उर्फ टाइगर की बातें। नमस्कार, हम हाजिर है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिदिन एक नए मेहमान से मिलते हैं और आप अपने दिल की बातों को जानकारी देते हैं। आज आपके हर बातों को जानकारी देने के लिए मेरे साथ हैं राज गौरव उर्फ टाइगर, जो RJD राजद के प्रदेश प्रवक्ता है। वैसे तो पूरे इनका परिवार जो है काफी लंबे अरसे से राजनीतिक जीवन में अपना समय व्यतीत किया है। वो एक समय था जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और उस कांग्रेस की सरकार में इनके परिवार यानी इनके पिताजी ने एक अच्छी भूमिका अदा किया करते थे। लेकिन आज पिताजी के पदचिन्हों पर चलते हुए राज गौरव उर्फ टाइगर जी काफी कुछ करने का, समाज विकास में करने का एक संकल्प लिया है और इसी को उद्देश्य
ये अपने आप को राजद से जोड़ा और राजद के साथ जोड़कर समाज का कार्य करने के लिए ललायत हैं, प्रयासरत हैं। भोजपुरवासियों की ओर से, भोजपुर दर्शन के सभी दर्शकों की ओर से टाइगर जी आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना कि आप भोजपुर दर्शन को समय दिया और समाज के लिए कुछ करने के लिए आपने सोच रहा है। नहीं, समाज के प्रति तो हमेशा हम प्रयत्नशील हैं और ये हमारे पिताजी का कहना है कि समाज के प्रति जितना आप प्रयत्नशील रहेंगे समाज उतना ही आपको पसंद करेगा, क्योंकि हमारे पिताजी भी कांग्रेस के बहुत अच्छा नेता रह चुके हैं और बिना स्वार्थ के ही वो सेवा में विश्वास करते थे और उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चलने का कार्य कर रहे हैं बिना स्वार्थ का। जी टाइगर जी, आपको लोग टाइगर उर्फ टाइगर कहते हैं, टाइगर यानी बाघ, बाघ का आहार क्या है? बाघ का आहार तो ऐसे में सब मांसाहारी चीज है, मगर कहने का मतलब है बाघ का आहार क्या है? बाघ का आहार तो एक्चुअली में मांस है। मांस है जी, बाघ मांस खाता है जी। आप किसको खाने के, आपका नाम भी टाइगर है जी, तो क्या आप बीजेपी को खाने के चक्कर में है या किसी अन्य को खाने के चक्कर में, मतलब क्या, मतलब टाइगर क्या करेगा? नहीं, एक तो एक टाइटल है, टाइटल नहीं, टाइगर मतलब टाइगर के जैसा आप बोलते हैं, टाइगर के जैसा आपका काम चलता है, टाइगर के जैसा आपका दबदबा बनता है, तो टाइगर कहने का मतलब किसको खाने का इच्छा है, मतलब किसको आप पराजित करने की इच्छा है, क्या कहेंगे आप? अपोजिशन को ही पराजित करने का ना हम मन में ठाना है। मेरा नाम टाइगर इसलिए पड़ा कि हम गरीब गुरुओं का आवाज बहुत दबंगता से और बहुत ही निष्पक्ष भाव से रखते हैं। थाना में अगर कोई गरीब आदमी पकड़ा जाएगा उसको हम थाना में जाकर बहुत गंभीरता से बात करते हैं, उसका पक्ष रखते हैं। कल एक बैस परिवार को कल थाना में ले गया था लोग, हल्का फुल्का विवाद था। गरीबों को आप सहायता करते रहते हैं और उसी के लिए नाम पड़ा टाइगर। जी, बात आता है टाइगर राज गौरव और टाइगर जी, आपको शायद जानकारी होगा कि आज आपके उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने कुछ आरोप लगाए हैं आपके नेता पर। जी जी, क्या कहेंगे आप? आरोप उनका सरासर गलत है, क्योंकि व्यवसाय करना सिर्फ मोदी समाज का ही हक नहीं है, व्यवसाय सभी के लिए स्वतंत्र है। व्यवसाय जादो भी कर सकता है, व्यवसाय गरीब गुरबा भी कर सकता है, व्यवसाय समाज में रह रहे चौथे पैदान का भी आदमी कर सकता है। सिर्फ मोदी जी ही व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, मोदी जी ने तो देश को डुबाने का कार्य किया है। नीरव मोदी 12,000 करोड़ लेकर भाग गए, मेहुल चौकसी 9,000 करोड़ लेकर भाग गया, ललित मोदी भाग गए, सारे मोदी तो देश बेचकर भाग रहे हैं यहाँ पर। आप ये कह रहे हैं तो उसी सिलसिले में आपके राजद प्रमुख लालू जी नहीं 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 कई मतलब आरोप लगे हुए हैं। आरोप सरासर बेबुनियाद है, ये चारा घोटाला तो जगन्नाथ मिश्रा के समय से ही चल रहा है। कहने का मतलब लालू जी ने तो इसको उजागर करने का काम किया कि देखिए चारा घोटाला हो रहा है, ये तो लालू जी को फंसाने का पूर्ण रूप से षड्यंत्र चल रहा था। कैसे एक बैकवर्ड, कैसे ओबीसी का आदमी मुख्यमंत्री बन गया, इसको जल्दी से फंसाओ। कैसे ये समाज का उत्थान करने जा रहे थे लालू जी, इनको तो जानबूझकर फंसाया गया है। आप देख लीजिए, अगर जगन्नाथ मिश्रा चारा घोटाला में नहीं फंसे रहते तो उनको सजा क्यों मिला? मैं समाज से कहना चाहता हूं कि ये चारा घोटाला जगन्नाथ मिश्रा के समय से ही चल रहा था, लालू जी ने तो इसको उजागर करने का कार्य किया। और इतिहास गवाह है, जो भी गरीब गुरबा चौथे पायदान पर रह रहे व्यक्तियों के लिए लड़ाई करता है उसको तो सजा मिलता ही है। यानी मतलब लालू जी दोषी नहीं है? ना, लालू जी कहीं से दोषी नहीं है। लालू जी में के सीबीआई एक अफसर ने बोला था, लालू जी चारा घोटाला के सीबीआई अफसर था, उस अफसर का नाम हमें शायद नहीं मालूम है, उसने खुले शब्दों में बोला था कि लालू यादव को फंसाने के लिए ये चारा घोटाला का सारा षड्यंत्र किया गया है। अच्छा, एक बात आता है टाइगर जी, आप तो मतलब आरा नगर निगम के रहने वाले हैं और बहुत भाग्यशाली हैं कि आप आरजेडी में, आपका विधायक भी आरजेडी का, जी जी, और विधान परिषद सदस्य भी आपके आरजेडी के, जी जी, उसके बावजूद भी आरा नगर निगम का हाल तो आप देखकर काफी प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, क्योंकि आरा में तो कहीं गंदगी है नहीं। देखिए, आरा में रह गया गंदगी का सवाल, बहुत समस्याओं की इस बात, जी जी, बहुत सारे सवाल है। हमारा पार्टी अभी पावर में नहीं है, अभी केंद्र में बीजेपी का सरकार है, राज्य में बीजेपी का सरकार है, तो क्यों नहीं ये लोग सारे चीज पर ध्यान देते हैं? सरकार की बात नहीं, इन्होंने चुनाव के समय में आप भी मदद किए थे, स्थानीय विधायक जो आरा के विधायक, उनका मदद किया था आपने जी, और वादा किए थे कि मैं
हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पढ़ाई को लेकर, सारे चीजों को, सफाई पर लेकर उन्होंने काफी वादा किया था। तो क्या विधायक का दायित्व नहीं बनता है कि नगर आयुक्त से मिलकर, जिलाधिकारी से मिलकर, चाहे आम जनता को करके इसको सफाई रखे, ये करे, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। आप उस पार्टी में है, आप भाग्यशाली है, आप नाम भी टाइगर है, तो क्या टाइगर क्या कर रहा है? देखिए, वैसे तो समाज का सारा सिलसिला हम जो भी प्रॉब्लम है हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी चिकटोली में मेरा कारण वो नहीं था जी। मेरा कारण था कि आपके पार्टी के विधायक और आप ही पार्टी के MLC वो भी आरा में और अब विधायक भी आरा में, आप ही आरा में, आखिर टाइगर क्या कर रहा है? अपने विधायक और MLC से क्यों नहीं बात कर रहा है? आरा नगर निगम की जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति पर जो गंदगी की अंबार है, आम जनता की बातें जो घोषणा किए थे, वादा किए थे, उस वादा कहाँ गया? क्या कहेंगे विधायक के बारे में? विधायक के बारे में विधायक अपना प्रयास में लगे हुए हैं, नित दिन वो अपना संघर्ष कर रहे हैं, हर एक बात को विधानसभा में उठा रहे हैं, मगर उनका जो है चल नहीं रहा है। अफसोस है कि वो प्रयास करते हुए भी उनका कार्यों का समाधान हो नहीं रहा है, क्योंकि विधायक ने तो बहुत सारे विकास का कार्य किया है। विधायक ने हमारे मोहल्ला का ये चिकटोली का जो नली है उन्होंने पास करवाया। कहने का मतलब है वो अपना काम कर ही रहे हैं, विकास का काम भी कर रहे हैं, मगर अभी जो दोहरी राजनीति चल रही है, केंद्र में भी BJP की सरकार है। केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा, बिहार में भी BJP विधायक की बात कर रहा हूँ, आपके आरा क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ, इस पर मुद्दे पर बात। अफसोस है, अफसोस हम जता रहे हैं कि वो प्रयास कर रहे हैं मगर प्रयास फलीभूत हो नहीं रहा है। अब ये उनका विचार है, उनका क्या ऐसा लगता है कि कहीं आप पार्टी में है इसलिए आप खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, पार्टी है, पार्टी दिल में कुछ है बुकाना, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। दिल की बात क्या है, कहने का मतलब है कोई भी कार्यकर्ता होता है कि अपना समाज को लेकर चलता है। दिल ही तो है, आखिर दिल ही है। देखिए, विधायक जी जो करेंगे विधायक जी को मिलेगा, जो भी आदमी विकास का कार्य करेगा, जनता देख रही है सब कुछ, जनता ये भी देख रही है कि विधायक जी क्या कर रहे हैं या MLC साहब क्या कर रहे हैं। मैं भी एक बहस का नेता हूँ, मगर बहस के लिए हमेशा तत्पर रह रहा हूँ। अगर कोई भी बहस पर जुल्म होता है तो हम सबसे पहले सवाल उठाने का कार्य करते हैं। यानी आपके MLC साहब नहीं मतलब आवाज उठाते हैं? ना ना, उठाते हैं। नहीं, आपने कहा सबसे पहले है, यानी आप कह रहे हैं कि MLC चुप रहते हैं? चुप तो नहीं रहते हैं, मगर इस सब मामले में थोड़ा जागरूक नहीं है। जागरूक नहीं है। आपने सुना कि टाइगर ने अपनी आवाज दहाड़ लगाई और सब सीधा कहा कि जागरूक नहीं है विधायक और MLC, जबकि आरा शहर में ही रहते हैं MLC और आरा शहर में ही रहते हैं विधायक। आखिर टाइगर ने दहाड़ लगाया और उस दहाड़ की आवाज शायद MLC के कानों तक जाएगा और विधायक के कानों तक जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त, आने वाला समय इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि राज गौरव और टाइगर जी ने एक बात कही कि आने वाला वक्त लगता है लोग समझेंगे, और देखिए कि होता है क्या कि आने वाला वक्त में विधायक को टिकट मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल राज गौरव और टाइगर जी ने एक इशारा जरूर कर दिया कि आने वाला वक्त में बहुत कुछ छिपा है राज, और राज है क्या वो तो बताएंगे आपके राज गौरव। क्या गौरव जी, आप कहने का मकसद है कि आप बता रहे हैं कि आने वाला वक्त में विधायक जी को टिकट शायद ना मिले? नहीं, आपने कहा कि अभी तो हमने दर्शकों के सामने कहा, भोजपुर वासियों के सामने कहा कि मतलब उन्होंने घोषणा की है, कहते हैं देखिए क्या होता है, यानी आपको ऐसा अंदाजा लग रहा है कि ना विधायक कोई काम नहीं कर रहे हैं, आवाज नहीं उठा रहे हैं, वैश्यों के प्रति जो वैश्य के प्रति ना MLC मतलब उतनी जागरूक नहीं है, मतलब आपको ऐसा अंदाजा पहले से लग गया? अंदाजा तो पूरे आरावासी कह रहे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है, ये तो आप भी जानते हैं। चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो काम नहीं करेगा वो जाएगा, जो काम करेगा जो पब्लिक के बीच में रहेगा वो आएगा। मतलब कह रहे हैं कि मैंने विधायक जी ने काम नहीं किया? अब तो उन्हीं के समाज के आदमी उनपे आरोप लगा रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं। उनके समाज के लोग, उनके समाज का मतलब एक वर्ग, एक वर्ग, मतलब एक वर्ग, मतलब वैश्य वर्ग नहीं, वैश्य वर्ग तो है ही, कहने वो आरोप नहीं लग रहा है। कहने का मतलब मैं वैश्य का नेता हूँ और वैश्य समाज ही हम पे लांछन लगाने लगे। एक वर्ग मैंने कहा था, एक वर्ग कौन सा वर्ग? सारे वर्ग मैं कह रहा हूँ, सारे वर्ग संतुष्ट नहीं है उनसे, सारे वर्ग संतुष्ट जी।
सारे वर्ग संतुष्ट नहीं है और यहाँ तक कि राज ने राज खोला और राज गौरव टाइगर ने भी शायद अपने विधायक से संतुष्ट नहीं है और इसी के लिए आखिर टाइगर ने दहाड़ लगाया है और उस आवाज को शायद विधायक कोई भी पुराना कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है, कोई भी पुराना कार्यकर्ता विधायक जी के साथ नहीं है। कहने का मतलब है चुनाव के समय जितने भी पुराने कार्यकर्ता ने उनको सपोर्ट किया वो जीतने के बाद पुराने कार्यकर्ता को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, आखिर क्यों? मैंने विधायक जी से कहा था कि सर पुराना कार्यकर्ता को मिला के चला जाए, पुराना कार्यकर्ता लोग बार बार इनका विरोध कर रहा है। अभी दौलतपुर पंचायत में जो नाली का समस्या है लेकर किसान मोर्चा के बैनर के तहत एक दिवसीय धरना दिया गया, आखिर यादव समाज विधायक जी से क्यों असंतुष्ट है? मेरे कहने का मतलब है कि पुराना जो कार्यकर्ता है, जिस जो रीड है बैक ऑफ बोन जिसको बोला जाता है, पुराना कार्यकर्ता जो पार्टी का रीढ़ का हड्डी है उसे आप छाट के चल रहे हैं तो आप कहां से आगे बढ़ पाइएगा? दिल की बात को दिल की अरमान में जो रखे थे उस बात को दिल से बाहर निकाला टाइगर और टाइगर ने एक आवाज बुलंद किया कि कार्यकर्ता जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, पार्टी के लिए है, उन्हें आप अछूता ना समझें, अछूता ना करें और आने वाला वक्त के लिए तैयार हो जाएं। इशारा ही इशारा में राज गौरव और टाइगर ने बहुत सी बातों को कह डाला और लगता है कि इससे आने वाला वक्त में एक भूचाल अवश्य आएगी। लेकिन फिलहाल आप सबों की तरफ से, भोजपुर वासियों की तरफ से, भोजपुर दर्शन के सभी दर्शकों की ओर से राज गौरव और टाइगर जी आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामना। ये आपने खुले दिल से आपने अपनी आवाज अपनी बात को रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का मतलब है आप क्या पब्लिक को धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं पब्लिक को धन्यवाद देता हूँ कि पब्लिक हमें बहुत चाह रही है, जिस तरह से मैं गरीब गुरबों का समाधान कर रहा हूँ हर एक समस्या का, हमारे दर्शकों को भी, आप भोजपुर दर्शन के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आए और जनता के बारे में हमसे समस्या पे विचार विमर्श किया। बहुत बहुत आपू प्रखंड के करनावेपुर बाजार में बिजली के खंभे में अचानक करंट आने के चलते एक बच्चा की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और बिजली विभाग कर्मचारियों के खिलाफ में नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली के खंभे में करंट कैसे आया, यह बिजली विभाग के कर्मियों की लापरवाही के चलते आया। बच्चे के शव को लेकर करनावेपुर ओपी के पास घंटों सड़क जाम किए और बिजली विभाग के कर्मियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। पूरा यार धीरे धीरे अभी और भी है, आप देखते रहिए भोजपुर दर्शन। MI मोबाइल उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब पटना जाने की आवश्यकता नहीं। कंपनी ने अपने स्कूटी सर्विस सेंटर ग्राहकों की सेवा के लिए प्रारंभ कर चुका है। MI मोबाइल से संबंधित कोई भी परेशानी के लिए संपर्क करें वालिया कम्प्लेक्स द्वितीय मंजिल करमंटोला आरा। शादी विवाह के शुभ अवसर पर हॉलमार्क ज्वेलरी सोना चांदी के फैंसी गहनों के साथ आकर्षक साड़ियों के विक्रेता लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एवं साड़ी वाला, जेल रोड मैना सुंदर धर्मशाला के पास आरा, जहां एक ही छत के नीचे अब गहनों के साथ कपड़े भी खरीदें। डायमंड ज्वेलरी एवं ब्रांडेड ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक डिजाइन किए हुए गहनों की खरीदारी एकमात्र भव्य शोरूम में, जिसका नाम है लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एंड साड़ी वाला, जिसका पता है मैना सुंदर धर्मशाला के पास जेल रोड आरा। मैं तेनु समझावांगी ना तेरे बिना लगता जी। अभी भी देर नहीं,
अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप खरीदना या मरम्मत कराना चाहते हैं तो आपके लिए देव कंप्यूटर। जी हाँ, आसूस, एसर, डेल, एचपी, लेनोवो का लैपटॉप के साथ ही एचपी, टीवीएस, इप्सन का प्रिंटर विक्रेता। तो परेशानी छोड़ें, सेल और सर्विस के लिए संपर्क करें। आपका अपना देव कंप्यूटर, वालिया कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, करमन टोला, आरा। देव कंप्यूटर, वालिया कॉम्प्लेक्स, तीसरा मंजिल, करमन टोला, आरा। नंबर है 8252662121। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय, फ्रॉम प्ले टू स्टैंडर्ड 10, विथ 3D प्रिंटिंग एंड रोबोटिक्स। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय, बामपाली, आरा। बासु ITI, NCVT, DGET से मान्यता प्राप्त। आप सभी के सहयोग से लगातार 4 वर्षों से सफल होंडा कंपनी अहमदाबाद 2-व्हीलर्स और मैन फोर्स टाटा झारखंड 4-व्हीलर्स दोनों कंपनियों में लगभग 50 छात्रों की नियुक्ति तथा 100% छात्रों की नियुक्ति के लिए प्रयासरत। इलेक्ट्रीशियन, हीटर, डीजल मैकेनिक इत्यादि की तैयारी के लिए संपर्क करें बासु ITI, कुलहरिया, आरा, भोजपुर। मोबाइल नंबर 9430032301, 9334192301। क्या आप अपने बजाज मोटरसाइकिल को सुंदर और मजबूत रखना चाहते हैं? तो केवल ओरिजिनल पार्ट्स के लिए न्यू बजाज केयर से संपर्क करें, जहां आपको मिलता है बजाज कंपनी के मोटरसाइकिलों का ओरिजिनल पार्ट्स, वो भी उचित मूल्यों पर। संपर्क करें न्यू बजाज केयर, हॉस्पिटल रोड, आरा। नंबर है 9386934868। आपका अपना दुकान न्यू बजाज केयर, हॉस्पिटल रोड, आरा। शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी, लोकप्रिय एवं लाखों संतुष्ट ग्राहकों की अपनी दुकान कुमार एंड सेंस ज्वेलर्स। आपको मिलता है 75% तथा 91.6% हॉलमार्क सोने के जेवरों के साथ शुद्ध चांदी के गहने, चांदी के बर्तनों के अलावा ब्रांडेड हीरे के जेवर तथा ग्रह रत्नों के विक्रेता। हीरे के जेवरों पर फ्लैट 15% की छूट पाने के लिए अवश्य पधारे शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी आपकी अपनी दुकान हरखेम कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स, गोपाली चौक। के उज्जवल भविष्य के लिए अंत वातावरण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु संपर्क करें बालिका उच्च विद्यालय, महादेवा रोड, आरा। एक बार भोजपुर दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। सक्षम स्वयंसेवी संस्था के द्वारा उसकी स्थापना दिवस समारोह दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोगों ने सक्षम के कार्यों के प्रति अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि भविष्य में देश के विकास में सक्षम एक अपना मकसद अवश्य पूरा करेगा। शुभम करोतु कल्याणम् आरोग्यम् सुख संपदया द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमस्तुते। संकल्पशे निज सुप्त क्षमता को जगाए हम बने सक्षम स्वयं निज राष्ट्र को सक्षम बनाए। नगर ग्रामों में सभी को संगठित करते चलेंगे ध्येय पथ पर संकटों से हम सभी मिलकर लड़ेंगे। विषमता की जो खड़ी दीवारें उसे हम मिलकर डहाएं। हम बने सक्षम स्वयं निज राष्ट्र को सक्षम बनाए। शूर वीर जानंद हेलन
ब्रेल ने जो पथ दिखाया तम शोमा जो तीर्गमय का मंत्र ऋषिगण ने सिखाया हम मुनि से लक्ष्य की शुभ सिद्धि के निर्देश पाए हम बने सक्षम स्वयं गणिज राष्ट्र को सक्षम बनाए अब न शारीरिक बाधाए अवधारा हृदय में बहती रहेगी हम प्रगति पथ पर बढ़े ठीक क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल जो एक राष्ट्रीय संस्था है और ये दिव्यांगजनों के हित में ये पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रहा है और इसका प्रधान कार्य नागपुर में है। आज हम इसकी 10वीं स्थापना वर्षगांठ हम मना रहे हैं। आज हरा जिला इकाई द्वारा आज दिनांक 28 जून को ये मनाया जा रहा है। सक्षम में मुख्य रूप से जितने भी दिव्यांगजन हैं उनके कल्याण के लिए पूरे भारतवर्ष में काम किया जा रहा है, जिसमें उनके लिए पुनर्वास के काम, शिक्षा के काम, व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ ही जो उपचारात्मक कार्य हैं वो भी उसमें सम्मिलित हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर धनंजय कुमार तिवारी, सक्षम दक्षिण बिहार का। सक्षम एक राष्ट्रीय संस्था है, ये जैसे संघ का संघ हम लोग का मुख्य संस्था है, उसके एक शाखा है सक्षम जो राष्ट्रीय स्तर पे कार्य करता है वो दिव्यांग के लोगों के क्षेत्र में दिव्यांगों के विकास के लिए दिव्यांगों को किस तरह से सामाजिक रूप से समर्थ बनाया जाए इस उद्देश्य से इस सक्षम का स्थापना हुआ है और उसी आज ही के दिन संभवतः नागपुर में सक्षम का स्थापना हुआ था। 10 वर्ष हो गया है, 11वां वर्ष है। तो इस तरह से हम लोग आज इस सक्षम का स्थापना दिवस मनाने के लिए और ये भोजपुर जिला में आप भी पहले भी देखे हैं दो चार कार्यक्रम कराए गए हैं जो कि अति सराहनीय रहे हैं और इसका राष्ट्रीय स्तर से भी प्रदेश स्तर से भी इसका जो है अच्छा मिला है। नाम बता दीजिए। नाम हरिश्चंद्र शाह, सचिव सक्षम भोजपुर। नगर थाना अंतर्गत सिंडिकेट के पास टेम्पो पलटने से 2 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए जिनका इलाज स्थानीय सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि यातायात व्यवस्था सही नहीं होने के चलते यह अनियंत्रित टेम्पो चालकों का जो चीज है उसके चलते यह टेम्पो पलटने की घटना हुई जिसमें 2 टेम्पो यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए। महावीर जी के मंदिर में सिंडिकेट पर जनबिंग टोली रास्ता में रहता है बस एकदम मुड़े पर गाँव में जाते हैं गाँव पर गाँव से गाँव में जाएगा टेम्पो। आप लोग कहाँ पकड़े थे? कैसा भीड़ कहाँ पलटा है टेम्पो? भैया बताते हैं नाम निकाल सिंडिकेट पलटा है। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। सही बता क्यों है आप गपत है ठीक है ना? कहाँ सिंडिकेट मोड़ पे बिंडोली वाले रास्ता में जा रहा था, वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है, गड्ढा में चक्का पलट गया, वहीं से
बड़ान से टेम्पो गिर गया। कितने टेम्पो क्या जमीन के पलट गए? पूरा मतलब कि जमीन में। कितने लोग यहाँ पर जख्मी हैं? उसमें कम से कम 6-7 लोग थे। कितने लोग जख्मी हैं? दो आदमी। वो यहाँ के चाचा है वहाँ के। वो गड्ढा कितने दिन से वहाँ पर? गड्ढा तो भैया बहुत दिन से वहाँ पर, बहुत दिन। ठीक, अपना नाम बता दें। अजय कुमार। हमारे तराई संवाददाता धनंजय कुमार के अनुसार तराई के बड़का गांव में रंगराज महाराज सरताज श्री पलटू दास जी महाराज की पुण्यतिथि मनाई गई। इस पुण्यतिथि पर देश के कोने कोने से लोग आए हुए थे और भव्य रूप से भंडारा का भी आयोजन किया गया था, जिसमें काफी संख्या में नर और नारियों और युवाओं की भीड़ देखी गई और भंडारा में लोगों ने भाग ली। प्रसाद पावे के तभी